दिल की बात बताऊं आपको, कौन कहता है सपने सच नहीं होते, मेहनत करो तो कुछ भी हो सकता है। मैं थी एक स्कूल टीचर, आपको तो पता ही है मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब है। 2 साल के बच्चों को मैं पढ़ाया करती थी, फिर बाद में मैंने बीएड भी साथ साथ किया और बीएड के बाद बड़े बच्चों को पढ़ाने लगी। स्कूल के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक्सप्लेनेशन का तरीका ज़रा हटके है, अच्छा है, लोग अच्छे से समझते हैं, तो क्यों ना मैं इंडियन टीनेजर्स को थोड़ा गाइड करूँ। वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, बहुत सारी लड़कियों की मदद की, और धीरे धीरे टीनेजर्स, यंगस्टर्स के साथ साथ बूढ़े बच्चे, आदमी, औरत, हर किसी के लिए मैं वीडियोज़ बनाने लग गई। और देखते ही देखते हमारी भी नेचुरल की फैमिली 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक आ गई। कौन कहता है सपने सच नहीं होते हैं। भले ही लोगों ने बहुत बुराइयाँ फैलाई, मेरे बारे में बहुत बुरा बुरा बोला, लेकिन उन सारे नेगेटिव और हेट कमेंट्स को पीछे छोड़ करके मेहनत में करती गई, डेली वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई, आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा किया, अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया और आगे भी करने वाली हूँ। बहुत सारे चेंजेस आप मेरे चैनल पर देखने वाले हैं। कौन कहता है सपने सच नहीं होते हैं, मेहनत करोगे तो होते हैं, मेरी हुए हैं। तो आज की ये स्पेशल वीडियो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए हैं, जिनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ इस सफ़र में अब तक बने रहे हैं, और आगे भी आप मेरे साथ बने रहो। तो हर बार की तरह जब भी हम कुछ स्पेशल अचीव करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, और नाचने से ज़्यादा अच्छा सेलिब्रेशन किस चीज़ में है। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल डांस परफॉर्मेंस कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। आप लोग नहीं होते तो बी नेचुरल नहीं होता। मेरे ज़िंदगी में इस तरीके से आने के लिए, मेरा साथ देने के लिए दिल से थैंक यू, और मेरे को सपने दिखाने के लिए भी थैंक यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। कल हो ना हो, हर पल यहाँ जी भर जियो। दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी आखिरकार 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारी फैमिली में जुड़ चुके हैं।
मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस सब का पूरा पूरा श्रेय मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। आप लोग नहीं होते मेरी जिंदगी में तो ये मुकाम पाना, हासिल कर पाना मेरे लिए तो नामुमकिन होता, लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन आप लोगों ने बनाया है। थैंक यू सो मच। हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी थैंक यू बोलूं वो कम है। कितनी मुश्किल घड़ियां आए, मुश्किल टाइम आए, हर टाइम में, हर प्रॉब्लम में आप लोग मेरे साथ रहे और ऐसे ही साथ देना। सिर्फ 2 मिलियन हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य और भी आगे है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कोने कोने में भी नेचुरल की वीडियोस होनी चाहिए, क्योंकि है ही हमारे टॉपिक ऐसे। चाहे ब्यूटी हो, मेकअप हो, नेचुरल चीजें हो, होम रेमेडीज हो, फैशन हो, विमेन हेल्थ एंड हाइजीन हो, मोटिवेशन हो, हर चीज मैं आपको बताती हूँ मेरे चैनल में। ऑल इन वन, एक विमेन के लिए, एक आम नागरिक भारतीय के लिए जो चीजें जरूरी है डे टू डे लाइफ में आपको मेरे चैनल पर मिल जाता है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस चैनल को और भी बढ़ाइए और अपने सारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, घर वालों के को सबको बोलिए यार कि सब्सक्राइब करो और बहुत जल्दी 3 मिलियन हम लोग को हो जाए। और अगर आप चाहते हैं सेम लुक क्रिएट करना तो मैंने ये मेकअप कैसे किया है उसका मैं मेकअप ट्यूटोरियल आपको दे देती हूँ। तो लेट्स चेक दिस आउट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेकअप ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लूँगी और मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ड्राई फील कर रही है, तो मेकअप से पहले स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए एक अच्छा सा DIY मास्क लगा लीजिए। अगर टाइम नहीं है तो पैकेट वाला लगा सकते हैं जैसे कि मैंने लगाया है। उसके बाद 10 मिनट बाद फेस वाइप कर लेंगे और शुरुआत करेंगे सीरम से। मैंने यहाँ एंटी एक्ने सीरम लगाया है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके पिंपल्स को हटाने के लिए। उसके बाद मैंने फेस पे फेशियल ऑयल लगाया है जो मेरी स्किन को सॉफ्ट, सपल एंड मॉइस्चराइज बना देती है। क्योंकि ये दिन का टाइम है तो मैं पहले स्क्रीन से शुरुआत कर रही हूँ। मेरा जो भी फेस और हैंड का एरिया सन में एक्सपोज होने वाला है मैं वहाँ पे सनस्क्रीन लगा रही हूँ ताकि सन प्रोटेक्शन मिल जाए। मेकअप शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है जो मेरी स्किन के ओपन पोर्स को एकदम क्लोज करके रख देता है। अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगा रही हूँ जो कि काफ़ी अच्छा कवरेज देता है। ट्रस्ट मी गर्ल्स, फाउंडेशन में 2-3 ड्रॉप फेशियल ऑयल की ज़रूर मिक्स कीजिए। इससे आपका फाउंडेशन एकदम केकी नहीं होता है, आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस लुक निकल के आता है। फाइन लाइन्स, केकी मेकअप हटाने के लिए एक बार फेशियल ऑयल वाली ट्रिक यूज़ करके तो देखिए, आप मुझे हमेशा याद रखोगे। उसके बाद अपने फेस को लूज पाउडर से सेट कर दोगे ताकि आपका मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रह जाए। उसके बाद मैं यहाँ कॉन्टोर कर रही हूँ, मैं यहाँ क्रीम कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये डे का टाइम है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लश लगाया है, पूरा ब्लश का पैलेट है मेरे पास तो मुझे चूज़ करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती है। ड्रेस के हिसाब से कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हो। हाइलाइटर, मैं यहाँ पहले क्रीम हाइलाइटर लगा रही हूँ और क्रीम के ऊपर मैं पाउडर हाइलाइटर लगाने वाली हूँ। और पूरे मेकअप में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत पार्ट मुझे ये हाइलाइटर वाला पोर्शन ही लगा है। वीडियो के एंड में हाइलाइटर आपको देखते ही बनेगा। तो चीक बोन पे, अपने ब्रिज ऑफ द नोज, फॉरहेड और लिप्स के ऊपर कर लेंगे हाईलाइट। लिपस्टिक लगा ली है मैंने, मैट क्रीमी लिपस्टिक है। आई शेडो लगाने से पहले मैं आई के ऊपर आई प्राइमर लगा लूँगी और आईब्रोज़ को मैं बनाने के लिए हमेशा फेसेस का ये वाला स्पूली यूज़ करती हूँ। पीछे स्पूली है और आगे आपको आईब्रो का कलर मिल जाता है जो कि काफ़ी इजी एप्लीकेशन हो जाता है। अब अपनी आईज़ पे आई शेडो मैं लगाऊंगी। आई शेडो लगाने से पहले अगर आप गौर फरमाएंगे तो मैंने अपनी आँखों के आसपास टेप लगा रखा है। सच में गर्ल्स, ये वाली ट्रिक बहुत काम करती है। आई शेडो बिगनर्स हो तो काफ़ी अच्छा शेप निकल करके आ जाता है। उसके बाद आई के ऊपर हाईलाइटर, फेक आईलैशेस और मस्कारा एंड माई मेकअप इज डन। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये लुक आपको कैसा लगा। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं उन सब का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्योंकि विमेंस डे है तो बहुत अच्छा खासा सेल चल रहा है, विमेन स्पेशल, इससे ज़्यादा सेल आपको कहीं भी कहीं और नहीं मिलेगा। तो एक बार लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने लिए चेक ज़रूर करना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाईलाइटर देखते ही बनता है, तो पूरे मेकअप में आईलैशेस के बाद मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये हाईलाइटर लगा है। मेकअप का कुछ और सामान आपके पास हो ना हो, हाईलाइटर ज़रूर होना चाहिए। बताइए कि आपको मेकअप का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा। कमेंट का इंतजार कर रही हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और बेहतरीन एपिसोड में। तब तक आप वीडियोस रिक्वेस्ट कीजिए और हम हाजिर हो जाएंगे आपके रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के। आपसे मिलती हूँ।
टिल देन मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस मेरे ब्लॉग चैनल को मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ब्लॉग्स पाने के लिए फन फनी कॉमेडी लाइफ में एंटरटेनमेंट तड़का चाहिए तो ब्लॉग हमारे जरूर देखिए। सब्सक्राइब लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में दे रखा है। बाय बाय।